नमस्कार, मैं विश्वानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 2 अगस्त। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रदेश में खुलेंगे 2000 नए आंगनबाड़ी। एनएच की सड़कों की सैटेलाइट से होगी मॉनिटरिंग। एनीमिया से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग का विशेष अभियान। विश्वविद्यालयों में शुरू होगी टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और आईटी इंडस्ट्रीज से जुड़ी पढ़ाई। मछली उत्पादन के लिए वेटलैंड को जल कृषि के रूप में किया जाएगा विकसित। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। प्रदेश में खुलेंगे 2000 नए आंगनबाड़ी। बिहार में अब कुपोषित बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार आएगी। इसके लिए बिहार सरकार ने विशेष पहल की है। कुपोषित बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार के लिए बिहार सरकार ने 2000 नए आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाने का फैसला किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि गाँव में आंगनबाड़ी केंद्र प्रति 400 से 500 जनसंख्या पर बनाए जाते हैं और सरकार आंगनबाड़ी के जरिए ग्रामीण माँ और बच्चों की देखभाल में मदद करती है। इसी कड़ी में बिहार सरकार कुपोषण से निपटने के लिए बिहार में 2000 आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का फैसला किया है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे वशिष्ठ नारायण सिंह की। महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह का जन्म बिहार के भोजपुर जिला में बसंतपुर नामक गांव में हुआ था। बचपन से ही वशिष्ठ नारायण सिंह में विलक्षण प्रतिभा थी। सन 1962 ईस्वी में उन्होंने नेतरहाट विद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की और उस समय के संयुक्त बिहार में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया। 1969 में उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से गणित में PhD की और वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर बने। चक्रीय सदिश समष्टि सिद्धांत पर किए गए उनके शोध कार्य ने उन्हें भारत और विश्व में प्रसिद्ध कर दिया। इसी दौरान उन्होंने नासा में भी काम किया, लेकिन मन नहीं लगा और 1971 में अपने वतन भारत लौट आए। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई और भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता में भी काम किया है। एनीमिया से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग का विशेष अभियान। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के अनुसार बिहार में महिलाओं और बच्चों में एनीमिया के मामले बढ़े हैं। बिहार के साथ ही गुजरात और कुछ अन्य प्रदेश में भी 2015-16 की अपेक्षा 2019-20 की रिपोर्ट में एनीमिया के मामले में वृद्धि देखी गई है। हालांकि इसके खिलाफ बिहार का स्वास्थ्य विभाग बड़ी लड़ाई लड़ने को तैयार है और इसी कड़ी में लोगों को स्वास्थ्य विभाग जागरूक करेगी कि एनीमिया कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग अपने इस अभियान में शिक्षा विभाग के साथ समेकित बाल विकास परियोजना का सहयोग भी लेगा। विभाग एक पुस्तिका भी प्रकाशित करेगा जिसमें एनीमिया की वजह और इससे बचाव के लिए उठाए जाने वाले कदमों का पूरा ब्यौरा होगा। गांधी मैदान में 15 अगस्त को लेकर परेड रिहर्सल शुरू। इस वर्ष आज़ादी का दिन बेहद ही खास है क्योंकि इस साल भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं। इस अवसर पर देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। वहीं अब 15 अगस्त में भी ज़्यादा समय शेष नहीं रह गया है। इसके लिए राजधानी पटना के गांधी मैदान में परेड रिहर्सल शुरू कर दिया गया है। इस खास अवसर को यादगार बनाने के लिए पुलिस बल भी जुट गई है। बीते दिन पटना के गांधी मैदान में पुलिस की परेड रिहर्सल आरम्भ हो गया। हालांकि बारिश के कारण रिहर्सल पूरा नहीं हो सका। अब आज फिर से रिहर्सल आरंभ होगा। हालांकि कोरोना को ध्यान में रखते हुए इस बार भी बिहार में आजादी का उत्सव सादगी से मनाया जाएगा। एम्स राजकोट गुजरात ने विभिन्न पदों पर निकाली भर्तियां। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स राजकोट गुजरात ने प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के विभिन्न सब्जेक्ट्स में कुल मिलाकर 82 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को संबंधित विषय में PG डिग्री जैसे MD, MS या MDS या MCH या DM या PhD के साथ ही 1 to 10 ईयर्स साल का कार्य अनुभव भी होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 अगस्त 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.aimsrajkot.edu.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।
एनएच के सड़कों की सैटेलाइट से होगी मॉनिटरिंग। बिहार सरकार सिर्फ सड़कों की निर्माण नहीं बल्कि उसके रखरखाव का भी खास ख्याल रख रही है। इसी कड़ी में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क की मॉनिटरिंग सैटेलाइट से कराने का फैसला लिया है। इसके जरिए 1,30,000 किलोमीटर लंबी एनएच की मॉनिटरिंग की जाएगी। विभाग ने भास्कर आचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स को इसकी जिम्मेदारी दी है। इस योजना से बिहार में पहले से बनी सड़क और वर्तमान में चल रही 51 सड़क योजनाओं की निगरानी सैटेलाइट के जरिए कर सकेगी। देवार के नाम से प्रसिद्ध मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार के औरंगाबाद जिले में देव नामक स्थान पर स्थित एक हिंदू मंदिर है जो देव सूर्य मंदिर, देवार्क सूर्य मंदिर या केवल देवार्क के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। यह सूर्य मंदिर अन्य सूर्य मंदिरों की तरह पूर्वाभिमुख ना होकर पश्चिमाभिमुख है। देवार्क मंदिर अपनी अनूठी शिल्पकला के लिए भी जाना जाता है। पत्थरों को तराश कर बनाए गए इस मंदिर की नक्काश उत्कृष्ट शिल्प कला का नमूना है। इतिहासकार इस मंदिर के निर्माण का काल 6वीं से 8वीं सदी के मध्य होने का अनुमान लगाते हैं, जबकि अलग अलग पौराणिक विवरणों पर आधारित मान्यताएं और जनश्रुतियां इसे त्रेता युगीन अथवा द्वापर युग के मध्यकाल में निर्मित बताती है। इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि कृष्ण के पुत्र सांब द्वारा निर्मित 12 सूर्य मंदिरों में से यह एक है। मछली उत्पादन के लिए वेट लैंड को जल कृषि के रूप में किया जाएगा विकसित। बिहार और बिहार से बाहर मछलियों की खपत और मांग को देखते हुए बिहार सरकार व्यवसायियों की आमदनी बढ़ाने के लिए मछली उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में बिहार वासियों के मछली की 7.33 लाख टन की जरूरत को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने नई योजना की शुरुआत की है। इसके तहत बिहार सरकार 6,91,000 हेक्टेयर के चौर क्षेत्र यानी आर्द्रभूमि, जिसे इंग्लिश में वेट लैंड भी कहते हैं, को मछली पालन के लिए उपयुक्त बनाने के प्रयास में जुट गई है। मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के तहत राज्य में यह कार्य किया जाएगा। विश्वविद्यालयों में शुरू होगी टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और आईटी इंडस्ट्रीज से जुड़ी पढ़ाई। शिक्षा विभाग आने वाले समय में युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर प्राप्त हो, इसके लिए हर क्षेत्र से जुड़ी विषयों का पठन पाठन शुरू करवा रही है। इसी कड़ी में बिहार के विश्वविद्यालयों में इंडस्ट्रीज लिंक कोर्स की पढ़ाई शुरू होगी। बिहार उच्चतर शिक्षा परिषद इसकी तैयारी कर रही है। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और आईटी इंडस्ट्रीज से जुड़े कोर्स डिज़ाइन किए जा रहे हैं ताकि बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में शिक्षित और तकनीकी तौर पर सक्षम युवा मिल सके। परिषद का मानना है कि इस तरह की कवायद से संबंधित विषयों में उद्योग जगत की मदद भी मिल सकेगी। शिक्षक अभ्यर्थियों ने बहाली की मांग को लेकर फिर किया प्रदर्शन। एक बार फिर शिक्षक अभ्यर्थियों ने 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की मांग को लेकर राजधानी पटना में जमकर प्रदर्शन किया। प्रारंभिक शिक्षक संघ गया बिहार अब अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। आंदोलन कर रहे कैंडिडेट्स ने कहा कि शिक्षा मंत्री की तरफ से यह कहा गया कि 6ठे चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद फिर कहा गया कि 31 जुलाई तक नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ करने का टाइम लाइन दिया गया था। 31 जुलाई तक प्रक्रिया नहीं प्रारंभ होने के कारण मजबूरी में हम लोगों को आंदोलन प्रारंभ करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि हमने तो ये दिखा दिया कि हम शिक्षक बनने योग्य हैं, हमने बीएड डीएलएड भी पास कर लिया है, लेकिन हमारी बहाली अब तक नहीं हो सकी। आगामी त्योहारों के मद्देनजर सीमांचल में बढ़ाई गई सुरक्षा। इस महीने अगस्त में त्योहार ही त्योहार है। आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह, मुहर्रम, रक्षाबंधन, सावन पूर्णिमा में जुटने वाले भीड़ के मद्देनजर सीमांचल में होने वाली संभावित असामाजिक गतिविधियों के मद्देनजर सीमांचल के पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज जिले के अलावा इंडो नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट जारी किया गया है। होम मिनिस्ट्री के द्वारा इस मामले को लेकर पैनी निगाह रखने का निर्देश दिया गया है। सभी जिले के डीएम और एसपी को इसका निर्देश दिया गया है। कई अन्य बिंदुओं को लेकर मंतव्य की भी मांग की गई है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर भी एसएसबी के जवानों के द्वारा सख्ती बढ़ा दी गई है। कमजोर पड़ी मॉनसून ने लोगों को कर दिया बेरोजगार। बिहार में इस बार मॉनसून ने बिहार वासियों को बहुत तरसाया है। पर्याप्त से कम हुई बारिश ने किसानों के फसल तो खराब किए ही, साथ ही ना जाने कितने मजदूरों के काम भी छीन लिए। बीते महीने राज्य में बेरोजगारी दर 18.8%
पर पहुंच गई। यह जून की तुलना में 4.8% अधिक है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के विश्लेषण के अनुसार अप्रैल को छोड़ दें तो यह दर पिछले साल भर में सबसे अधिक है। 2021 के जून में यह दर 10.5% रिकॉर्ड की गई थी। जुलाई में काम के अवसर कम होने के दो मुख्य कारक माने जा रहे हैं, जिसमें पहली धान की रोपनी और दूसरा बालू खनन नहीं होने से बालू की कमी के कारण भवन निर्माण नहीं होना है। लाल रिनुंगा और अचिंता शेवली को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी बधाई। ब्रिटेन के बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स के चौथे दिन भारत ने अपने खाते में खबर लिखे जाने तक 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल लेकर आया, जिसमें भारत को सबसे पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू ने दिलाया। उनके खाता खोलने के बाद जेरेमी लालिरुनुंगा और अचिंता शेवली ने भारत को दूसरा और तीसरा गोल्ड मेडल दिलाया। वहीं बाहुबली संकेत महादेव सरगढ़ ने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। गुरुराजा पुजारी ने 61 किग्रा भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। वहीं बिंदिया रानी देवी ने भारत को चौथा मेडल दिलाते हुए वेटलिफ्टिंग के 55 किग्रा कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता और इसी के साथ खबर लिखे जाने तक भारत के खाते में 6 मेडल आ चुका था। वहीं बीते दिन जेरेमी लालिरुनुंगा और अचिंता शेवली द्वारा गोल्ड मेडल हासिल करने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्विटर के माध्यम से उन्हें बधाई भी दी है। इस जिला में उड़ान सेवा बहाल करने की उठाई गई मांग। एक बार फिर से बिहार के बेगूसराय जिले में उड़ान सेवा बहाल करने की मांग उठी है। यह मांग सांसद राकेश सिन्हा ने राज्यसभा में उठाई है। बीते दिन अतारांकित प्रश्न के माध्यम से कहा है कि बेगूसराय को जिला नहीं बल्कि औद्योगिक जिला के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा व्यवसाय के क्षेत्र में अग्रणी बेगूसराय जिला को उड़ान सेवा से जोड़ने और भविष्य में एयरपोर्ट की संभावना तलाशने और सामूह में पर्याप्त भूमि की जांच कर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इससे 5 जिलों का संपर्क जुड़ेगा और बेगूसराय के औद्योगिक क्षेत्र को विकास होगा। प्रदेश के इन जिलों में बारिश होने की संभावना। बिहार में इन दिनों दक्षिण पश्चिम मानसून एक्टिव है, जिसके कारण प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई है और कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो बिहार में कमजोर पड़े मानसून को एक बार फिर से सक्रिय होने की बात कही जा रही है, जिसके कारण मंगलवार को प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि विभाग की तरफ से कई बार मूसलाधार बारिश की बात कही थी, लेकिन प्रदेश में मात्र छिटपुट बारिश से संतोष करना पड़ रहा है। ऐसे में किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मंगलवार की बारिश को लेकर कहा गया है कि अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर और बांका में बारिश होने की संभावना है। बैठक के बाद भाजपा कार्यकर्ता टास्क पूरा करने में जुटे। भाजपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई और अब नेता कार्यकर्ताओं को इस बैठक में मिले टास्क को पूरा करने की जिम्मेवारी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया कि भाजपा ऐसी पार्टी है जो हर दिन किसी न किसी कार्य में जुटी रहती है। अब देश में आजादी का 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। इस दिन को खास बनाने के लिए देश के सभी घरों में तिरंगा लहराने की तैयारी की जा रही है। भाजपा अध्यक्ष ने बताया कि सभी कार्यकर्ताओं को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि अपने क्षेत्र में हर घर में 15 अगस्त को तिरंगा लहराने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके लिए आज से सभी कार्यकर्ताओं को जुट जाने का निर्देश दिया गया है। एनडीए गठबंधन स्वाभाविक और नेचुरल है। भाजपा और जदयू के बीच पिछले 2 दशकों से गठबंधन है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की सरकार चल रही है, लेकिन आए दिन भाजपा और जदयू के नेताओं में बयानबाजी होती रहती है, जिससे विपक्ष को भी मौका मिल जाता है। वहीं यह प्रश्न बार बार उठते हैं कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है। हालांकि बीजेपी शीर्ष नेताओं के बयान से जदयू के नेता भी गदगद हैं और कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार का मतलब एनडीए और जब तक नीतीश कुमार है तभी तक एनडीए है। वहीं जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन का कहना है कि इस गठबंधन को जनता का आशीर्वाद प्राप्त है, यह स्वाभाविक और नेचुरल गठबंधन है। महागठबंधन के प्रतिरोध मार्च में राजद और लेफ्ट के साथ कांग्रेस भी होगी शामिल। महागठबंधन की ओर से 7 अगस्त को जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को लेकर हर जिला मुख्यालय में प्रतिरोध मार्च करने का ऐलान किया गया है। राजद के साथ साथ कांग्रेस भी इस मुहिम में शामिल है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके लिए पर्चा जारी किया गया है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी की फोटो के साथ ही लेफ्ट के नेताओं की तस्वीर है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी नजर आ रही हैं। हालांकि अग्निवीर योजना को लेकर 22 जून को महागठबंधन के घटक दलों के साथ राजभवन मार्च किया गया था, जिसमें कांग्रेस के नेताओं ने दूरी बना ली थी।
आखिर लाल सिंह चड्ढा पर क्यों भड़क गए फैंस। आमिर खान की 11 अगस्त को रिलीज होने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर सोशल मीडिया पर बायकॉट ट्रेंड हुआ। फिल्म के खिलाफ दर्शकों के इस रिएक्शन से आमिर खान दुखी हैं। उन्होंने कहा कि इस बात का बुरा लगता है कि कुछ लोग ये जो बोल रहे हैं उनके दिल में कहीं ना कहीं यह है कि मैं भारत से प्यार नहीं करता। वे लोग ऐसा मानते हैं लेकिन यह सच नहीं है। प्लीज़ मेरी फिल्म का बायकॉट मत कीजिए, प्लीज़ मेरी फिल्म देखिए। दरअसल लोगों में नाराज़गी आमिर खान की पत्नी द्वारा दिए गए उस स्टेटमेंट से है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में रहना सेफ नहीं है। इसके बाद मूवी देखने को लेकर करीना कपूर का बयान था कि जिन्हें देखना है देखिए, जिन्हें नहीं देखना है मत देखिए। इसी को लेकर लोगों ने ट्विटर पर बायकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड किया। अब आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके फोन में। जरूरी डॉक्यूमेंट्स से लदी भारी भरकम फाइलों को कैरी करने से बचने के लिए या फिर दस्तावेज खो जाने से बचने के लिए आप डिजी लॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऐप की सुविधा बहुत पहले से दी जा रही है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे आप इस ऐप में अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले आप डिजी लॉकर वेबसाइट पर जाएं और दाहिने ऊपर कॉर्नर में साइन अप पर क्लिक करें। उसके बाद जरूरी जानकारी फिल करें। इसके बाद अब आपको सीधा डिजी लॉकर होम पेज दिखाई देगा। यहाँ आपको अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना होता है जो कि पेज के बाईं तरफ होता है। यहाँ आप अपलोड पर क्लिक करें, जो भी फाइल आप अपलोड करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें और फिर ओपन पर क्लिक करें। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। श्रीमती सी बेलियप्पा मुतम्मा 1970 में भारत की पहली महिला राजदूत बनी जिन्हें हंगरी का राजदूत बनाया गया। विश्वनाथ आनंद 1987 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले एशियाई बने। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिन्हें रसायन विज्ञान के जनक माने जाने वाले प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म 2 अगस्त 1861 को हुआ था। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म 1877 में हुआ। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अभिकल्प पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1878 को हुआ था। भारत के प्रसिद्ध उद्यमियों में से एक जीपी बिड़ला का जन्म 1922 में हुआ। जाने माने कवि एवं गीतकार उमाकांत मालवीय का जन्म 1931 में हुआ था। भारतीय क्रिकेटर एमवी श्रीधर का जन्म 1966 को हुआ था। पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध मूर्तिकार रामकिंकर बैज का निधन 1980 में हुआ था। भारतीय सिनेमा के अभिनेता कमल कपूर का निधन 210 को हुआ था। और आज ही के दिन विश्व स्तनपान दिवस, मैत्री दिवस और दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1217 करोड़ में बन रहा पटना एयरपोर्ट का टर्मिनल भवन इस वर्ष होगा पूरा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार पटना एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण कुल 1216.90 करोड़ रुपए व्यय होंगे। नया घरेलू टर्मिनल भवन एवं संबद्ध कार्य की वास्तविक प्रगति 54% है। वह मार्च 2024 तक पूरा होगा। उक्त जानकारी राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के उत्तर में नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री विजय कुमार सिंह ने दी है। इसके साथ ही बिहटा एयरपोर्ट के बारे में बताया कि रनवे को बड़े आकार वाले विमान के प्रचालन एवं एप्रन को उसके उपयुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार से कुल 199.5 एकड़ भूमि की अपेक्षा की गई है। प्रदेश के निचले इलाकों में बाढ़ को लेकर किया गया अलर्ट। एक ओर बिहार में 35 जिलों में सुखाड़ की स्थिति है, वहीं दूसरी ओर सीमांचल के इलाकों में बाढ़ की स्थिति। आपको बता दें कि बिहार के पश्चिम चंपारण में बाढ़ का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बराज से 1,77,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया है। वहीं नेपाल के तराई क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के कारण गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। तेजी से बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए गंडक का जलस्तर 3,00,000 क्यूसेक से अधिक पहुँचने की संभावना है, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान ने कार्तिक को लेकर दिया चौंकाने वाला बयान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और सलामी बल्लेबाज सलमान बट ने भारत के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक की जमकर तारीफ की है। साथ ही इस तारीफ के जरिए उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर तंज भी कस दिया है। जी हां, सलमान बट ने कार्तिक को लेकर कहा कि इतनी उम्र में तो पाकिस्तान में घरेलू क्रिकेट भी नहीं खेल पाएंगे। अपने यूट्यूब चैनल पर सलमान बट ने कहा कि सौभाग्य से दिनेश कार्तिक का जन्म भारत में हुआ है, अपनी उम्र में वह पाकिस्तान में घरेलू क्रिकेट भी नहीं खेल सकते।
बिहार में मिले कोविड 19 के 200 से भी कम मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 125 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1400 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 5, अरवल में 1, बांका में 5, बेगूसराय में 1, भागलपुर में 17, गोपालगंज में 3, कैमूर में 20, खगड़िया में 1, मधुबनी में 7, मुंगेर में 6, मुजफ्फरपुर में 1, नवादा में 2, पटना में 33, पूर्णिया में 2, रोहतास में 3, सहरसा में 1, सारण में 1, शिवहर में, सीतामढ़ी और सिवान में 1, सुपौल में 4 और वैशाली में 2 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 64,685 सैंपल की जांच की गई है। इस दौरान 201 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मनीष कुमार, रमाकांत कुमार, रितु रानी, रश्मि अनूप, गौरव कुमार, ओमकार सिंह, रंजीत मिश्रा, ध्रुव कुमार, रविशंकर, निशा, पंकज कुमार दास, विशाल कुमार और परवेज आलम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि शिक्षा विभाग द्वारा निकाली जा रही नई शिक्षा नीतियों का आने वाले समय में युवाओं को रोजगार मुहैया कराने में कितना मददगार होगा। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़ और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।